सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर अविलेय सिल्वर क्लोराइड विलयन से पृथक हो जाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? पृथक हो जाना यानी कि अलग हो जाना, जिसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। उत्तर इसका ग होगा। निम्नलिखित में कौन सा ऐसा पदार्थ है जो बिना ज्वाला के जलता है? क मोमबत्ती, ख किरोसिन, ग कोयला, घ मेथेन गैस। इसका उत्तर कोयला होगा। कोयला है जो बिना ज्वाला के जलता है। प्रश्न है हमारे सामने, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? हमारे पास चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। आप याद रखेंगे, शरीर में भोजन का पचना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। देख सकते हैं समीकरण 2Cu+O2 2CuO किस प्रकार की अभिक्रिया है? आंसर है ख, जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कैसी अभिक्रिया है? याद रखेंगे, सोडियम क्लोराइड लवण है और जल जल है। जब भी लवण और जल बने तो इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उत्तर हमारा ख होगा। निम्नलिखित में रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है? उत्तर हमारा ख नंबर है, टिक लगा हुआ है, देख सकते हैं। ZnO+C + ZnCO कैसे है, क्यों है, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हम उस पर डिटेल बताएंगे। निम्नलिखित में कौन सी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है? याद रखेंगे, जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती हो। 94.45 उत्तर हमारा ख होगा, इसी में ऊष्मा उत्पन्न हुई है, यह एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगी, अतः उत्तर हमारा ख होगा। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? यहाँ पे टिक लगा हुआ है, O2 एक ऑक्सीकारक है। निम्नलिखित में कौन अकारक गुण प्रदर्शित करता है? H2S उत्तर हमारा ग होगा। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? उत्तर हमारा घ होगा, यह एक अपघटन अभिक्रिया है। क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं, यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया? यह प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। हम जानते हैं जिसमें प्रकाश भाग लेता है उसे हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। पौधों के भोजन बनाने में प्रकाश मुख्य रूप से भाग ले रहा है, इसीलिए यह एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। जब समीकरण के बाएं और दाएं दोनों ओर प्रत्येक परमाणु की संख्याएं समान हो तो वह क्या समीकरण क्या कहलाता है? उसे हम संतुलित समीकरण कहते हैं। याद रखेंगे, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्याएं बाएं और दाएं बराबर होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण के नाम से जानते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? उत्तर हमारा ग है, रासायनिक समीकरण के रूप में। याद रखेंगे, इस प्रकार के ये 10th की रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। आप हमारे चैनल BNCC 1519 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तमाम तरह के कोर्स और वीडियोस हम आपको देंगे आपके बुक से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, नींबू के स्वाद को खट्टा को कम करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग सबसे अधिक उपयुक्त होगा? याद रखेंगे, एक पदार्थ जिसका पीएच मान 8 से ज़्यादा हो वही सबसे अच्छा होगा। उत्तर हमारा घ होगा। अगर आपको शंका है कि मिट्टी की अम्लीयता के कारण गमले में फूलों का पौधा ठीक से विकसित नहीं हो रहा है, तो निम्नलिखित में किस पदार्थ की को मिट्टी में मिलाएंगे? याद रखेंगे, बेकिंग पाउडर। उत्तर ख। निम्नलिखित में किसकी प्रकृति अम्लीय है? याद रखेंगे, लाइम जूस। लाइम जूस की प्रकृति अम्लीय होती है। क्वेश्चन है, उत्फुल्लन लवण होते हैं। याद रखेंगे, जलयोजित लवण जो वायुमंडल में जल के अणु को त्यागते हैं उसे ही हम उत्फुल्लन लवण कहते हैं।
बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो इसका दूसरा अवयव ऑप्शन नंबर ग टार्ट्रिक अम्ल है। किसी भी बिलियन का पीएच मान अगर 4 है तो बिलियन अम्लीय होगा। पीएच मान 4 है तो बिलियन अम्लीय ही होगा। निम्नलिखित में दिखाई दे रहा है कौन सा बिलियन प्रबल अम्लीय होगा? ख और ग दोनों ही जो है पीएच जब 0 हो, पीओएच जब 14 हो, तो दोनों ही बेहद ही प्रबल अम्लीय होगा। उदासीन बिलियन का पीएच कितना होता है? 7 होता है। उदासीन बिलियन का पीएच 7 होता है। अभिक्रिया में साफ साफ दिखाई दे रहा है H2O प्लस HCl तीर H3O प्लस Cl में जल का आचरण दिखाई दे रहा है। बिल्कुल जल बिल्कुल ही भस्म जैसा होगा। उत्तर हमारा बिल्कुल सामने है, ख नंबर। एक बिलियन नीले लिटमस पत्र को लाल करता है तो विलियन का पीएच मान क्या होगा? विलियन का पीएच मान ऑप्शन नंबर घ 6 होगा। निम्नलिखित में कौन हाइड्रानियम आयन है? ऑप्शन क नंबर होगा, H3O+। एक जलीय विलियन लाल लिटमस पत्र को नीला, इस विलियन में निम्नलिखित में किसे अधिक मात्रा में मिलाया जाए कि वह विलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा? याद रखेंगे इसके आंसर क होगा, क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं होगा। निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? इसका उत्तर हमारा ग होगा, सल्फर डाइऑक्साइड। अम्लीय ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड ही है। निम्नलिखित में कौन भास्मिक ऑक्साइड है? भास्मिक ऑक्साइड Na2O, भास्मिक ऑक्साइड Na2O, ख नंबर। सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन कैसा होता है? उदासीन होता है, उत्तर क। आरहेनियस अम्ल जलीय विलयन में क्या बढ़ाता है? हाइड्रोजन आयन बढ़ाता है, ख नंबर, H+ बढ़ाता है। निम्नलिखित में किस अवस्था में एसिटिक अम्ल विद्युत का संचालन करता है? याद रखेंगे जल के विलयन में, क नंबर ऑप्शन इसमें गलत दिया गया है, जल के विलयन में ख नंबर होगा। विलयन में एसिटिक अम्ल का आयनन क्या नहीं होता है? इसका आंसर ख होगा, आंशिक रूप में। जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आयनन जो होता है आंशिक रूप में होता है। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, हमेशा जानते हैं दुर्बल अम्ल जल में आंशिक रूप से ही आयनित होता है, अतः ग नंबर उत्तर होगा। निम्नलिखित में कौन प्रबल भस्म है? ख नंबर उत्तर, NaOH। आप देख सकते हैं सबको मिला करके NaOH ख नंबर। किस लवण में रवा जल नहीं होता है? उत्तर हमारा ख होगा, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा में रवा जल नहीं होता है। निम्नलिखित में कौन एक भस्म नहीं है? उत्तर हमारा घ होगा, NaCl। NaCl एक भस्म नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा लवण है? याद रखेंगे लवण, NaCl एक लवण है, उत्तर हमारा ख है। किसमें अम्ल के गुण नहीं होते? क नंबर आंसर है, जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं उसमें अम्ल के गुण नहीं होते। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाते हैं, उत्तर हमारा ख है। प्रश्न है कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? उत्तर हमारा ख है, कार्बोनिक अम्ल बनाता है, कार्बोनिक अम्ल बनाता है। निम्नलिखित में कौन सा एक अम्ल है? घ नंबर उत्तर होगा, HNO3। इस तरह के तमाम प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल BNCC1519EZ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। निम्नलिखित में पीतल किसका उदाहरण है? उत्तर आपके सामने है, ग मिश्र धातु का उदाहरण है, पीतल मिश्र धातु का उदाहरण है। ए और बी के परमाणुओं के संयोग से आयनिक बंधन तब बनेगा, ग नंबर उत्तर है हमारा, जब ए धातु और बी अधातु हो, धातु और अधातु के मिलने से ही आयनिक बंधन बनता है। निम्नलिखित में कौन दो इलेक्ट्रॉन खोकर ऑर्गन जैसा अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है? उत्तर हमारा गो है, Ca कैल्शियम। वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉनों का त्याग आसानी से कर देता है क्या कहलाता है? विद्युत धनात्मक, उत्तर हमारा ख होगा। तत्व ए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 और तत्व बी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2881 है। ए और बी के संयोग से बने यौगिकों की प्रवृत्ति क्या होगी? आपको पहले ही बताए हैं, धातु और अधातु के मिलने से आयनिक यौगिक का निर्माण होता है, उत्तर हमारा क होगा।
निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? उत्तर हमारा गो नंबर है कि Cl, एक धातु और एक अधातु है। चांदी को के चम्मच को लंबे समय तक खुली वायु में छोड़ देने पर उसकी सतह काली हो जाती है। निम्नलिखित में किस यौगिक के बनने के कारण ऐसा होता है? उत्तर हमारा ग है, Ag2S। निम्नलिखित में किस विधि के द्वारा लोहे की कड़ाही को जंग लगने से बचाया जा सकता है? उत्तर हमारा ग होगा, जास्ता का परत चढ़ा करके। खाद्य पदार्थ पर रखे जाने वाले कनस्तर पर टीन का लेप चढ़ाया जाता है, जस्ते का नहीं, क्योंकि उत्तर हमारा ग होगा, जास्ता टीन से ज़्यादा क्रियाशील होता है। सोडियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होने पर देख सकते हैं ख नंबर आंसर है, सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन को खो करके धनायन बनाता है। निम्नलिखित में कौन सी धातु है जो अम्ल राज के अलावा किसी अन्य अम्ल में नहीं घुलती है? आंसर है गौ, Au। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? उत्तर है हमारा घ, ग्रेफाइट। निम्नलिखित में कौन सी धातु है जो साधारण ताप पर द्रव के रूप में पाई जाती है? उत्तर है हमारा गौ, मरकरी। निम्नलिखित में कौन सा लवण समुद्री जल में पाया जाता है? उत्तर है हमारा गौ, NaCl। निम्नलिखित में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? उत्तर है हमारा क, सोना। इनमें किस धातु का विस्थापन उसी के लवण के विलयन में लोहा के द्वारा होता है? उत्तर है हमारा ग, तांबा। बॉक्साइट निम्नलिखित में किसका अयस्क है? उत्तर है हमारा ग, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का अयस्क है। निम्नलिखित में किस धातु को किरोसिन तेल में डुबा करके रखते हैं? उत्तर है हमारा ख, सोडियम। प्रयोगशाला में पहला संश्लेषित कार्बनिक यौगिक है? ऑप्शन उत्तर है हमारा ग, NH2O1 CO1 NH2। प्रश्न दो है, प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? उत्तर है ख, वोहलर ने। जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? उत्तर क, वर्जिलियस ने। कार्बनिक यौगिकों में निम्नलिखित में कौन से गुण पाए जाते हैं? उत्तर है ख, इनके क्वथनांक तथा द्रवणांक निम्न होते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिकों में तत्वों के संयोग का आधार क्या होता है? प्रायः संयोजकता होता है। देख सकते हैं हमारे पास छः नंबर जो क्वेश्चन है, एल्डिहाइड श्रेणी के यौगिकों निम्नलिखित में कौन सबसे क्रियाशील समूह विद्यमान होता है? ग नंबर हमारा आंसर है। सेवन प्रश्न का उत्तर आप देख सकते हैं, खुद ही क्रियाशील समावयवी होते हैं, ख नंबर इसका उत्तर है। अणु सूत्र C5H12 में के कितने श्रृंखला समावयवी होंगे? उत्तर है ख हमारा 3। नौ नंबर क्वेश्चन है, एक ब्यूटीन तथा दो ब्यूटीन किस प्रकार के समावयवी हैं? उत्तर है हमारा क, स्थान समावयवी। हीरे में कार्बन परमाणुओं को बांधे रखने वाले कौन से बंध हैं? उत्तर है ख, सहसंयोजी। 11 क्वेश्चन, कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस है? उत्तर है घ, C12H42। निम्न में कौन जोक्सिल अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है? उत्तर हमारा ख है, एल्किन। 13 नंबर क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है? घ नंबर, एथाइन। निम्न में किसके जल अपघटन से मेथेन बनता है? हमारे पास उत्तर है ख, Al4C3। 15 नंबर क्वेश्चन, विसरित सूर्य के प्रकाश में मेथेन क्लोरीन के आधिक्य में अभिक्रिया करके देता है? ख नंबर, CCl4। देख सकते हैं एथीन को जब हम CCl4 की उपस्थिति में Br2 के साथ अभिक्रित किया जाता है तब कौन सा यौगिक बनता है? क नंबर आंसर है 1, 1, 2 डाइब्रोमेथेन। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी धातु गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त की जाती है? क नंबर आंसर है एसीटिलीन। जब एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तब बनता है? उत्तर ख है, C2H4। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा एल्कोहल जल में सबसे कम विलेय है? घ नंबर आंसर है CH3CH2CH2CH2OH। एल्कोहल में शर्करा का किण्वन किसकी क्रिया के द्वारा होता है? उत्तर हमारा क है, एंजाइम। 21 नंबर क्वेश्चन, ओलेइक एस्टियरिक और पामिटिक अम्ल है, कौन सा अम्ल है? उत्तर हमारा ग है, वसीय अम्ल। एक कार्बनिक जो एक अभिक्रिया में NaHCO3 के संतृप्त जलीय घोल से कराने पर फदफदाहट के साथ CO2 गैस मुक्त होती है, निम्नलिखित में ए कौन सा यौगिक है? उत्तर हमारा ग है, एथेनोइक अम्ल। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में मेथेन किसका उदाहरण है? उत्तर हमारा क है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। मेंडलीफ के आवर्त के नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं उनके? ख नंबर उत्तर है, परमाणु द्रव्यमानों के।
दो नंबर क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं उनके ख नंबर परमाणु संख्याओं के। मेंडलीफ ने तत्वों को निम्नलिखित में किसके बढ़ते हुए क्रम से वर्गीकृत किया? उत्तर हमारा ख है, परमाणु द्रव्यमान। चौथा प्रश्न है, अष्टक नियम के प्रतिपादक कौन थे? घ नंबर आंसर है न्यूलैंड्स। त्रियक नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? आंसर है डोब्रेनर। छः नंबर प्रश्न, आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व का धातुई गुण क्या होता है? उत्तर है क, बढ़ता है। परमाणु संख्या न कि परमाणु द्रव्यमान किसी तत्व का अधिक मौलिक गुण है, इस कथन का प्रतिपादन किसने किया था? उत्तर ख है, मोसले। आठ नंबर क्वेश्चन, किसी तत्व एक क्लोराइड का सूत्र Al2 है, यह यौगिक उच्च द्रवणांक वाला ठोस पदार्थ है, ए के आवर्त सारणी के उस वर्ग के अंतर्गत होगा जिसमें ख Ba होगा। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे अधिक धातुई अधातुई गुण प्रदर्शित करता है? ख Cl। दस नंबर, सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड वाला कौन है? क आंसर है K2O। आवर्त सारणी में वर्ग एक के तत्व कहलाते हैं? आंसर है हमारा ग, क्षार धातुएं। प्रश्न 12, मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में है? उत्तर है हमारा ख, वर्ग 2। बांध बांधने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर आपके सामने है, बिजली उत्पन्न करना। वर्षा जल का संचयन, वर्षा जल का संचयन कहलाता है? उत्तर हमारा ग है, जल संचयन। यूरो 2 का संबंध है? ख नंबर आंसर है, वायु प्रदूषण से। चौथा प्रश्न, वनों का क्षेत्रफल बढ़ाया जा सकता है? ग, पेड़ लगा करके। बिश्नोई आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया था? उत्तर हमारा ख है, अमृता देवी बिश्नोई। प्रश्न 6, निम्नलिखित में किसका उपयोग बिजली उत्पादन में होता है? उत्तर हमारा ग होगा, पवन का, ख नहीं होगा, मिट्टी का, ग होगा। प्रश्न है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर हमारा ख होगा, वन की कटाई को रोकना। आठवां प्रश्न है, कोयला तथा पेट्रोलियम क्या है? ख नंबर, उत्तर है जीवाश्म ईंधन। बड़े बड़े बांधों में बांधों से होता है? घ नंबर आंसर है, सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता। दस नंबर, क्योटो प्रोटोकॉल किस गैस के उत्सर्जन के स्तर में कमी लाने के लक्ष्य से बनाया गया था? उत्तर है ख, कार्बन डाइऑक्साइड। सिंचाई के लिए पौधों के ठीक जड़ तक समीप तक पानी पहुंचाने की विधि क्या कहलाती है? टपकन सिंचाई। इनमें कौन पर्यावरण सुरक्षा के लिए आवश्यक है? उत्तर हमारा घ है, इनमें से सभी है। सभी ऑप्शनों को आप ठीक से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, सोच और समझ सकते हैं। निम्नलिखित में किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है? हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, चार ऑप्शन हैं, जिसमें से घ नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, बढ़ती मानव जनसंख्या के कारण। गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, चारों ऑप्शन दिए गए हैं, देख सकते हैं, लेकिन इसका सही उत्तर है घ, पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा ही गैर परंपरागत ऊर्जा का एक स्रोत है।